Hello everyone, I'm Richo. It's a Sunday and welcome to another food blog from my home in Bangalore. वैसे मैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट का अपातानी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ. Yes, the tribe with nose plugs. Even my grandmother had it. वैसे मेरे ट्राइब है अपातानी ट्राइब. हम लोग का दो डिश बहुत फेमस है, वो है पीके और पिला. और मैं आज आप सबको पिला कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा. पिला बनाना तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो शायद जीरो के बाहर मिलता नहीं है, तो वो मुश्किल हो सकता है, वरना बहुत इजी है बनाने. तो शुरू करते हैं. अभी पिला जो है बहुत टाइप के बन सकते हैं, और आज मैं टमाटर पिला बनाने वाला हूँ. तो आज का पिला बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ दो टमाटोस, उसके बाद कुछ चिल्लीस, और फिर ये है खार. खार जो बेसिकली ड्राइड फर्न या ड्राइड बनाना स्किन को जला के उसे जो राख मिलता है उसमें पानी डाल के ये बनाया जाता है, और ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है. और ये है ड्राइड पोर्क, इसको आप पता नहीं हम लोग वुली बोलते हैं. ये बेसिकली ये एरिया जो है इसका पोर्क का स्किन एरिया है, और ये उसका चर्बी एरिया है, और फिर ये मीट एरिया है. इसको बनाने के लिए ये पोर्क को ऑलमोस्ट एक दो महीना के लिए सुखा के रखते हैं, इसके बाद फिर इसको ठंडी जगह में अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं. तो ये शायद दो तीन साल पुराना वुली है. नॉर्मली पिला के लिए इसको यूज़ करते हैं, लेकिन आज मैं इसको यूज़ करूँगा. ये है पोर्क के चर्बी बिना उसका स्किन या मीट एरिया. मेरे लिए ये इजी है यहाँ पे यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं यूज़ करूँगा आज. सबसे पहले प्रोसेस है ये टमाटर को जलाना होता है, और ये यूज़ करूँगा मैं. टमाटर को पहले ऐसे लगा लो, और इसके बाद यहाँ पे अच्छी तरह से जला लीजिए. तो मेरा टमाटर्स अच्छी तरह से जल गया है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ. नेक्स्ट में ये मिर्ची है, मिर्ची को भी जलाना है. तो मिर्ची भी सेम प्रोसेस टमाटर जैसा. तो मिर्ची को भी मैंने इसमें लगा दिया, अब इसको जलाता हूँ. तो मिर्ची को मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर दिया. अभी नेक्स्ट स्टेप में ये चिल्ली, इसको अच्छे से पीस लो. फिर जो दोनों टमाटोज था उसको भी पीस लो, एकदम अच्छा से इसको पीस लो. नेक्स्ट इसमें आप नमक डालिए, फिर इस पे जो लिक्विड खार था उसको डाल लीजिए. इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो एक बार. ये लास्ट स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है. ये मैं सूअर के चर्बी जो है ऐसे वाले चम्मच में ले लिया. अभी इसको मैं जला के हमारा जो मेन पिला का जो इंग्रेडिएंट बना है उसमें डालना है. ये जो चर्बी है तब तक हीटिंग करो जब तक ये चर्बी में आग ना लग जाए. अभी देखो चर्बी में आग लग गया, अभी इसको यहाँ पे डालो. ये है मैजिक, चर्बी का मैजिक. वाओ, पिला का एक्चुअल टेस्ट इससे ही आता है. ये वाला टेक्निक जो है शायद मेरा पेरेंट्स को भी पता नहीं होता होगा. वो लोग ट्रेडिशनल वे में लकड़ी से जला के करते हैं. और लास्ट में इसको मिक्स कर दो, और आपका फेमस आप पता नहीं पिला रेडी है. एकदम बढ़िया बना है. और जनरली ये पिला जो साइड डिश होते हैं और चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है ये खाने के लिए. चावल और पिला एकदम बढ़िया.
मजा आ गया। और दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो ना, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरा वीडियो देखने के लिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा कमेंट कर दो और नीचे में एक सब्सक्राइब बटन है उसको भी जरूर दबाइए अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया होने से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।